नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवीव ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार PhD गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भावाद भावम नियम के बारे में विस्तार से बताता हूं। वैदिक ज्योतिष में एक नियम आता है, भावाद भावम नियम। इसका अर्थ होता है इस भाव से उस भाव तक, अर्थात किसी भाव का स्वामी उस भाव से उतने ही भाव आगे जाता है, तो ये भावाद भावम नियम होता है। यह नियम उस भाव के बल को बताता है, अर्थात उस भाव के फलों में वृद्धि हो जाती है। भाव का अर्थ है स्थान, घर, हाउस, जहां वो घर ग्रह स्थित होता है। जब भी हम किसी भाव को भावाद भावम नियम के अनुसार देखते हैं तो इस प्रकार हम उस भाव को और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। उस भाव की शुभता, कार्य प्रणाली, फल देने की क्षमता, उस भाव के फलों को एक्टिव करना, ये सब कुछ इस नियम के प्रयोग द्वारा जाना जा सकता है। जब भी हम भावाद भावम नियम किसी कुंडली में लगाते हैं तो हमें यह सबसे पहले देखना होता है कि किस भाव का भावेश अपने भाव से कितनी दूरी पर गया है। जैसे सबसे पहले लेते हैं लगन। जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस का स्वामी यानी कि लगन का स्वामी लग्नेश लगन में ही स्थित हो तो ये भावाद भावम नियम के अनुसार शुभ फल देगा। सेकंड हाउस का स्वामी अपने से दूसरे भाव में यानी कि कुंडली के तीसरे भाव में चला जाए तो ये भावाद भावम नियम के अनुसार फल देगा। थर्ड लॉर्ड अपने से तीसरे हाउस में यानी कि कुंडली के पांचवें भाव में चला जाए तो ये भावाद भावम नियम के अनुसार फल देगा। फोर्थ लॉर्ड अपने से फोर्थ यानी कि कुंडली के सातवें भाव में चला जाए तो ये भी भावाद भावम नियम के अनुसार ही फल देगा। फिफ्थ लॉर्ड पंचम भाव का स्वामी अपने से पांचवें यानी कि नाइन्थ हाउस में चला जाए तो ये भी भावाद भावम नियम के अनुसार ही शुभ फल देगा। कुंडली का छठा भाव अपने से छठे भाव में यानी कि कुंडली के इलेवंथ हाउस में चला जाए तो ये अपने फलों में वृद्धि करेगा, लेकिन ये अशुभ फलों में वृद्धि करेगा क्योंकि सिक्स हाउस त्रिक भाव है और इलेवंथ हाउस त्रिष्टाय भाव है। दो अशुभ भावों का स्वामियों का संबंध अशुभ फल ही देगा। कुंडली का सेवंथ लॉर्ड यानी कि सप्तमेश अपने से सातवें भाव में यानी कि लगन में चला जाए तो ये भी भावाद भावम नियम के अनुसार फल देगा। कुंडली के आठवें भाव का स्वामी एट्थ लॉर्ड यदि अपने से आठवें यानी कि कुंडली के थर्ड हाउस में चला जाता है तो ये भी भावाद भावम नियम के अनुसार ही फल देगा। कुंडली का
नाइन्थ लॉर्ड यदि अपने से नवम भाव में यानी कि कुंडली के पांचवें भाव में चला जाता है तो इसमें शुभता बढ़ जाती है। एक त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में स्थित होना शुभ फलदायक होता है। कुंडली का दशम भाव का स्वामी यदि अपने से दशम भाव में यानी कि कुंडली के सातवें भाव में चला जाता है तो ये भी भावाद भावम नियम के अनुसार शुभ फल देगा। एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र का स्वामी केंद्र में ही स्थित हो तो इसमें भी शुभता बढ़ जाती है। यानी कि दशम भाव का स्वामी अपने से दशम भाव में सातवें भाव में स्थित हो तो ये बहुत शुभ फल देता है। अब बात करते हैं कुंडली के इलेवंथ लॉर्ड की। कुंडली का इलेवंथ लॉर्ड यानी कि लाभेश यदि अपने से ग्यारहवें भाव में यानी कि कुंडली के नाइन्थ हाउस में स्थित हो तो ये भावात भावम नियम के अनुसार शुभ फल देता है। ये धन योग भी होता है। ट्वेल्थ हाउस कुंडली का ट्वेल्थ लॉर्ड अपने से ट्वेल्थ हाउस में यानी कि इलेवंथ हाउस में स्थित हो तो ये भावात भावम नियम के अनुसार फल देगा। सिक्स भाव के स्वामी भावात भावम नियम के अनुसार अशुभ फल देते हैं। अब आपको प्रत्येक भाव का फल बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस यानी कि लगन एसेंडेंट किसी जातक की जन्म कुंडली में लगन यानी तन्नु भाव का स्वामी लग्नेश अपने ही भाव में स्थित हो तो ये भावात भावम के लिए नियम के अनुसार पहले भाव का स्वामी पहले भाव में ही स्थित है। कुंडली का लग्नेश चाहे नैसर्गिक शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो अपनी महादशा अंतरदशा में राजयोग के ही फल देगा। लग्नेश सदा पवित्र है चाहे वो पाप ग्रह ही क्यों ना हो, क्रूर ग्रह सूर्य क्यों ना हो, मंगल क्यों ना हो, शनि क्यों ना हो, लग्नेश सदा पवित्र है, जातक को हमेशा शुभ फल ही देता है। लग्नेश लगन में स्थित हो और लगन और लग्नेश दोनों बली हों तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत उन्नति करता है। यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक को जीवन में सफलता ही प्राप्त होती है। वह अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हैं। लग्नेश लगन में स्थित हो तो जातक चरित्रवान भी होता है। उसके गुणों से अन्य लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। जातक बुद्धिमान होता है, समाज में मान सम्मान बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लेकिन एम्बिशियस भी बहुत होता है, हेल्थ अच्छी होती है, आयु लंबी होती है। लेकिन लगन में लग्नेश के साथ यदि कोई पाप ग्रह स्थित हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ फलों में कमी आ जाती है। सेकंड हाउस कुंडली का सेकंड हाउस धन संचय का भाव है। इसके अतिरिक्त सेकंड हाउस से हम कुटुंब वाणी का भी विचार करते हैं। भावात भावम नियम के अनुसार यदि धन भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में यानी कि कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो सेकंड हाउस के फलों में वृद्धि करता है। जातक को अपने कर्म व्यवसाय में भाई बहनों का सहयोग भी मिलता है। जातक अपनी बुद्धि वाणी से साहस पराक्रम से धन की वृद्धि करता है। सेल्समैन बहुत अच्छा होता है, मार्केटिंग में एक्सपर्ट होता है, लेकिन यदि इस पर पाप प्रभाव हो तो जातक घमंडी होता है, अहंकारी होता है, झगड़ा करने वाला होता है तथा भाई बहनों से संबंध भी खराब हो जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। कुंडली का थर्ड हाउस साहस पराक्रम ऊर्जा छोटी यात्राएं हॉबीज नौकर गला स्पीड कम्युनिकेशन और राइटिंग का भी होता है। थर्ड हाउस का स्वामी यदि अपने भाव से तीसरे भाव में यानी कि कुंडली के फिफ्थ हाउस में स्थित हो तो व्यक्ति के साहस पराक्रम में वृद्धि करता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। फिफ्थ हाउस बुद्धि का भी होता है, शिक्षा का भी होता है, संतान का भी होता है। साहस को जब बुद्धि विवेक और ज्ञान का साथ मिल जाता है तो जातक में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। जातक अपनी बुद्धि और साहस से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है, जीवन में उच्च पद प्राप्त करता है और जब राइटिंग से जुड़ जाता है तो बहुत फेमस हो जाता है, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। भाई बहनों से भी संबंध अच्छे होते हैं। जातक बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। जातक सरकार से भी लाभ उठाता है, सरकार से लाभ प्राप्त होता है, लेकिन पाप प्रभाव हो तो संतान के जन्म में प्रॉब्लम होती है, एजुकेशन में ब्रेक भी आता है। फोर्थ हाउस
कुंडली का फोर्थ हाउस सुख भाव होता है, सुख स्थान होता है। फोर्थ हाउस से घर का सुख, माता, जमीन जायदाद, वस्त्र, ऑर्नामेंट्स, वाहन और हार्ट को भी देखा जाता है। भावात भावम नियम के अनुसार यदि फोर्थ लॉर्ड अपने से फोर्थ हाउस में यानी कि कुंडली के सेवंथ हाउस में जाता है तो ये शुभ फल देता है। फोर्थ लॉर्ड का सेवंथ हाउस में जाना बहुत शुभ फल देता है। विवाह और सुख का आपस में संबंध बन जाता है। विवाह हम सुख के लिए ही करते हैं। फोर्थ हाउस के कारक तत्वों में वृद्धि हो जाती है, एजुकेशन अच्छी हो जाती है, जातक को माता, जमीन जायदाद, वाहन का सुख प्राप्त होता है। सेवंथ हाउस माता की माता यानी जातक की नानी का भी भाव होता है। यदि शुभ प्रभाव हो तो नानी से वसीयत में धन, जमीन जायदाद भी प्राप्त होता है। पारिवारिक सुख प्राप्त होते हैं, बिजनेस में सफलता प्राप्त होती है। यदि फोर्थ लॉर्ड शुभ ग्रह हो तो मैरिज कम आयु में हो जाती है। जातक अट्रैक्टिव भी बहुत होता है, लेकिन फोर्थ हाउस पर पाप ग्रहों का प्रभाव या फोर्थ लॉर्ड पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो या अपनी नीच राशि में स्थित हो, अस्त हो, तो शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ हाउस, कुंडली का फिफ्थ हाउस धर्म त्रिकोण का भाव है। फिफ्थ हाउस शुभ भाव होता है, त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं। फिफ्थ हाउस से एजुकेशन, संतान, बुद्धिमता, ज्ञान, प्रेम, संचित कर्म, मनोरंजन, नीति, यश, मान सम्मान आदि का भी विचार किया जाता है। भावात भावम नियम के अनुसार यदि फिफ्थ लॉर्ड अपने से पंचम भाव में जाता है यानी कि कुंडली के नाइन्थ हाउस में जाता है तो ये राजयोग है। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में स्थित है। फिफ्थ लॉर्ड के लिए ये बहुत शुभ प्लेसमेंट होती है। नाइन्थ हाउस कुंडली का तीसरा धर्म त्रिकोण होता है। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, बुद्धिमान होता है, धर्म में विश्वास करने वाला होता है, धार्मिक होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है, उच्च पद प्राप्त करता है, एक अच्छे साहित्यकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, किसी धार्मिक संस्था का अध्यक्ष हो सकता है, अच्छा टीचर हो सकता है, अच्छा गुरु हो सकता है। यदि फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाकर पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए या निर्बली हो जाए तो भाग्य में कमी भी होगी तथा फिफ्थ हाउस के सभी कारक तत्वों में हानि भी हो सकती है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।